स्पिन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर की तर्ज पर राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी अगले सप्ताह किसान आंदोलन रफ्तार पकड़ सकता है। इसके लिए कांग्रेस नेता लगातार राहुल गांधी बॉर्डर सभा करने जा रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने उनके राजस्थान दौरे की जानकारी साझा करते हुए बताया कि 12 और 13 फरवरी को राहुल गांधी राजस्थान आएंगे। इसी के साथ प्रदेश में राहुल गांधी प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारी शुरू कर चुके हैं। माकन ने ट्वीट करते हुए कहा कि किसानों के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए किसानों की आवाज बुलंद कर केंद्र सरकार के तीनों काले कानून को वापस लेने हेतु संघर्ष के लिए राहुल गांधी राजस्थान आएंगे। राजस्थान में राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। बता दें, इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। राहुल गांधी के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद अब पार्टी संगठन आगामी कार्यक्रमों की तैयारी में जुट गई है। आपको बता दें, आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के आम बजट 2021 के बाद से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने ताजा ट्वीट में पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों और रसोई गैस के दाम को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की मोदी सरकार ने देश और घर दोनों का बजट बिगाड़ दिया है। राहुल गांधी ने शनिवार सुबह एक खबर शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि मोदी सरकार ने बजट बिगाड़ दिया है देश और घर दोनों का। इससे पहले शुक्रवार को कांग्रेस नेता ने बजट को लेकर फिर आलोचना की। उन्होंने कहा कि मोदी के मित्र केंद्रित बजट में किसान को पेट्रोल डीजल से ज्यादा दाम देने होंगे और कई आर्थिक मदद भी नहीं मिलेगी। वही 3 नए कृषि कानून के विरोध से कुचले जाने के बाद देश के अन्नदाता एक बार फिर से और बात करेंगे। बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में पेट्रोल पर प्रति लीटर 2.5 रुपए और डीजल पर प्रति लीटर 4 रुपए की कृषि उपकर का प्रस्ताव किया है। हालांकि इतना ही नहीं, राष्ट्रीय उत्पाद शुल्क के लिए रूप में घटाकर इसे बढ़ोतरी पर समायोजित किया जाएगा। उधर शुक्रवार को दिल्ली में पेट्रोल करीब 30 पैसे बढ़कर 86.95 रुपए प्रति लीटर के नए उच्चतर पर पहुंच गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 93.39 रुपए प्रति लीटर हो गया है और ऊंचाई पर पहुंच गया है। इसी तरह दिल्ली में डीजल करीब 77.13 रुपए प्रति लीटर हो गया है और मुंबई में 83.99 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमलावर है, ऐसे में मोदी सरकार पर राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं बजट को लेकर, ऐसे में राजस्थान में राहुल गांधी का आगमन क्या कुछ बड़ा लेकर आएगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।